गाइस, मुझे जल्दी में एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पे काम मिला था। वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और भाई साहब मेरी टांगे टूट गई। उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मालिक ने मुझे पीटा और पैसे भी नहीं दिए भाई। एक मिनट, ये क्या? ओ माय गॉड, ये मेरे घर के सामने तीन तीन इतनी बड़ी बकेट्स क्या कर रही हैं भाई? और इसमें इतनी खतरनाक आग, ये तो लावा बकेट लगती है। ओ भाई साहब, मेरे घर के ठीक ऊपर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, ये सिंचन पिंचन कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हैं? गाइस, हमें देखना पड़ेगा, एक तो वैसे ही मेरी हालत खराब है, आज मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, वेंकलिन भैया भी छोड़ के चले गए। व्हाट, सिंचन यहाँ पर सुसाइड करने की सोच रहा है? ये पागल हो गया है क्या? एक तो मेरी इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, ऊपर से इन लोगों को ये चीजें सोच रही है। भाई साहब, चॉप और पिंचन कहाँ पर है? सिंचन, गाइस पहले हम किसी तरह से ऊपर चलते हैं। आई थिंक इस वाले पहाड़ के रास्ते से हम ऊपर जा पाएंगे। चलो जल्दी पहुंचते हैं। सिंचन, मेरी बात सुन। कहाँ पर है? अरे बुरा, सिंचन सुन तो, तू उधर क्या कर रहा है? अरे मापे फ्रैंकलिन भैया, मुझे आज आप मत रोकिए। मुझे मेरे घर से बाहर कर दिया गया, मुझे गरीब बोला गया, अब मैं नहीं जीऊंगा, समझे? और ये आपने क्या हालत बना रखी है? अरे यार, जिस बिल्डिंग में मुझे काम मिला था वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और यहाँ पे मेरी टांगे टूट गई। उसके मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से मेरे पे ही $1,000,000 का फाइन लगा दिया, बोला कि मेरी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। जी का, आपकी वजह से पूरी जिंदगी बदकिस्मती बनी पड़ी है। नहीं 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 सिंचन, तू ऐसा नहीं बोल सकता। निकल जाइए यहाँ से, आपने हमेशा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी फ्रैंकी भैया, अब मैं मरने जा रहा हूँ। अरे पहले ये तो बता, हमारे घर पे किसने कब्जा कर लिया, किसने यहाँ पर भगा दिया? जाके खुद देख लीजिए, आज मैं मरने जा रहा हूँ, अलविदा दोस्तों, आपका सिंचन हारा। ओह नो, ये सब क्या चल रहा है? सिंचन बोल रहा है उसके घर से, मतलब हमारे घर से उसको बाहर निकाल दिया गया है, मतलब हमारे घर पे कहीं पिंचन और चौप ने तो उसको बाहर नहीं निकाल दिया? अरे मजा ही आ गया, वो सिंचन ने कान खा रखे थे, पका रखा था। अरे फिक्की भैया, ये आपने क्या हालत बना रखी है? अबे फ्रैंकलिन, तू जब भी जाता है कोई बुरी न्यूज लेकर आता है। तुम लोग वो छोड़ो, तुमने सिंचन को बाहर क्यों निकाला? भाई वो पाल हो गया था, वो अवेंजर्स को इस घर में रहने नहीं दे रहा था, और जबकि अवेंजर्स यहाँ पर हमको खाने पीने को देता है। कलवे भाई, तेरे पास क्या है? अरे यार, लेकिन तुमने सिंचन को सही नहीं किया निकाल के, वो सुसाइड करने की बातें कर रहा है। अबे पागल हो गया है क्या? अबे जब तू भी इसके साथ जाके सुसाइड कर ले, मतलब मजाक की भी लिमिट होती है। मतलब वो सुसाइड करेगा? हाँ, वो कितना लालची बच्चा है, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, वो तो दूसरों को सुसाइड करा दे। अरे यार टोनी, प्लीज मेरी बात पर यकीन कर। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, जिससे कि अवेंजर्स मेरी बात पर यकीन करें, हम सिंचन को सुसाइड करने से रोक सके। ये क्या हो रहा है? मेरा परिवार चारों तरफ से बिखर रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं चलने लायक भी नहीं बचा। मेरी व्हील चेयर भी तोड़ दी उस टोनी के बच्चे ने, अब मुझे ऐसे ही क्रॉल कर करके घर की तरफ जाना पड़ेगा। सिंचन, उम्मीद करता हूँ अभी तक सिंचन ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं मरा, मैं चला। नहीं 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 सिंचन, गाइस सिंचन कूद रहा है। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ओ नो, ऊपर वाले मेरे भाई को बचा ले। ये दर्द अब हमेशा के लिए बर्बाद और खत्म हो जाएगा, बस मुझसे और नहीं जिया जाता। ओ नो यार सिंचन, तू क्यों चला गया मेरे को छोड़ के? काश मैं भी तेरे साथ मर जाता भाई, मेरी तो मरने जैसी हालत भी नहीं रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस टोनी के बच्चे ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। सिंचन, सिंचन प्लीज वापस आ जा अपने भाई के पास। एक मिनट, ये कौन है? अरे वाह, मैं तो यहाँ पर गॉड प्रोजेक्टर मैन बन गया, मेरा साइज तो यहाँ पे 7,000 करोड़ हो गया। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? सिंचन क्या ये तू ये? अरे हाँ फ्रैंकी भैया, अब मैं यहाँ पर आपकी तरह गरीब नहीं रहा, अब तो मैं एवेंजर्स के भी ज्यादा अपना गुलाम बना लूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जायंट नहीं गॉड प्रोजेक्टर मैन बन गया। ओ माय गॉड, ऐसा क्या है कि सिंचन वहां से कूद कर लावा बकेट में गिरा और टाइटन प्रोजेक्टर नहीं भाई, सीधा गॉड प्रोजेक्टर मैन बन गया? गाइस मुझे सिंचन से अपना ज्यादा साइज बढ़ाना है, बट मैं क्या करूं? ये क्या चल रहा है? ये फ्रैंकलिन की खटारा कार अभी तक क्या कर रही है, इसको फेंक के आता हूं। अबे फ्रैंकलिन, तू इधर क्या कर रहा है? टोनी सामने देख, सिंचन को वो गॉड प्रोजेक्टर मैन बन गया। व्हाट, वो गॉड प्रोजेक्टर मैन बन गया, तो तू यहाँ पर भिखारी क्यों बना पड़ा? जल्दी निकल यहाँ से। मजा आ गया। अरे बाप रे गाइस, टोनी मैं तुझसे बदला लूंगा, देख लूंगा तुझे। अरे चल गया, कोई बचा? मर गया। अरे भाई क्या हो रहा है, मैं तो पूरा लावा में घुस गया। ओ माय गॉड, मैं तो मर जाऊंगा। ये क्या, मैं तो कहीं और ही आ गया। गाइस दोस्तों, मेरे हिसाब से हो सकता है सिंचन भी कुछ इसी तरह जाकर आ गया हो, और यहाँ पर उसको कोई तरीका मिल गया हो अपने आप को गॉड प्रोजेक्टर मैन बनाने का। क्या पता मैं भी अपने आप को कोई गॉड टाइटन टीवी मैन या स्पीकर मैन या कुछ फोन मैन बना लूं। भाई साहब यहाँ पर ये क्या चीज है? ओ माय गॉड, जमीन के अंदर ये क्या है? गाइस ये तो एक ट्रेडमिल लग रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं।
कहीं गाइस इसी के भाग के सिंचन ने अपना साइज इतना तो नहीं बढ़ा लिया, आई थिंक हमें इसको बाहर निकालना चाहिए, लेट्स गो। अच्छी बात है मुझे ये ड्रिल मशीन मिल गई थी। ओ भाई साहब ये ड्रिल मशीन तो यार इस ट्रेडमिल के अंदर घुस गई। नहीं मैंने ट्रेडमिल को डैमेज कर दिया, क्या ये काम करेगा गाइस? अरे इसमें बिजली का करंट ना लग जाए। गाइस आप लोग जल्दी प्लीज कमेंट में एटी गेमर ओपी लिख दीजिए, क्या पता हमें इस पे कोई बढ़िया सा सूट ही मिल जाए भागते भागते। जल्दी गाइस जल्दी करो, बाकी मैं यहाँ पे भाग ही रहा हूँ। ओ भाई साहब ये क्या क्या बात है दोस्तों, मैं तो यहाँ पर डायमंड स्पीकर मैन बन गया। ओ माय गॉड मेरा स्पीकर डायमंड का है गाइस, मेरा साइज 5000 हो गया गाइस। हैं ये क्या, नहीं वो ट्रेडमिल गायब हो गया, आई थिंक खराब हो गया तो इसलिए हम उसको लिमिटेड यूज कर सकते थे। और ये ट्रेडमिल जल्दी तैयार हो जाएगी और डॉक्टर में झुट कितने में बेचेंगे, ये बेचने के लिए नहीं कॉम्पिटिशन के लिए। मुझे यहाँ पर एक बच्चा और चाहिए जिसको मैं कॉम्पिटिशन में ले जा सकूँ, एक और बच्चा मिल गया तो फिर मैं तुझे उसके साथ कॉम्पिटिशन में ले जाऊंगा, जो भी जीतेगा उसको ये ट्रेडमिल दिलाऊंगा। और मैं तैयार हूँ, मुझे ही दे दीजिए ये ट्रेडमिल, कोई नहीं आने वाला यहाँ पर कंपटीशन लड़ना है। नहीं 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 मैं लड़ूंगा कंपटीशन, मेरे को चाहिए ये डॉक्टर मिक्सेड, मेरे को यहाँ पर ये ट्रेडमिल चाहिए, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा 8000 करोड़ का डायमंड स्पीकर मैन बनना चाहता हूँ। और बाप रे ये तो फ्रैंकलिन की आवाज है, मैं फ्रैंकलिन ही हूँ, बहुत बढ़िया बच्चे, अगर तेरे को यहाँ पर ट्रेडमिल चाहिए तो तेरे को कंपटीशन लड़नी होगी, अपनी जान पे खेलनी होगी। मैं तैयार हूँ, मैं हर तरह से तैयार हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा इवन सिंचन के गॉड प्रोजेक्टर मैन से भी बड़ा 8000 करोड़ साइज का डायमंड स्पीकर मैन बनूंगा। हाँ तो मेरी बात चलो ध्यान से सुनो भाई साहब, मुझसे पहले ही अवेंजर्स यहाँ पर कैसे पहुंच गए? अवेंजर्स नहीं पिंचन चॉप भी है। अबे फ्रैंकलिन तुझे डायमंड का स्पीकर मैन का सूट कहाँ से मिल गया? कोई नहीं भाई तुझसे अच्छा सूट तो मैं लेके रहूंगा, मेरी बात सुनो बच्चा, लोग लड़ाई बाद में करना, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जानी होगी, ये पतली सी रस्सी पर चलनी होगी, नीचे गिरे तो एलिमिनेट हो जाओगे। व्हाट इतनी पतली रस्सी पे, उसके बाद यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें जंप लगा के इस वाले खतरनाक गोले पे पहुंचनी होगी। भाई साहब ये तो झूला है बच्चों का झूलने वाला, उसके बाद तुम्हें मिलेगा जी मैन इसकी बड़ी टॉयलेट मौसार, ये तुम्हें खा भी सकता है, इसलिए इससे बच के आगे बढ़नी होगी। यहाँ पर बहुत सारे स्किबड़ी की अलग अलग प्रजाति वाली फैमिली मिलेगी और यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन भी मिलेगा, तुम सभी को इनको या तो डिफीट करना है या फिर चकमा देके इनके जाल को तोड़ के या फिर उसके अंदर घुस के इस ट्रेडमिल पे भागना है। एक इंसान ही इस पर सिर्फ चल सकता है या भाग सकता है, वो अपनी खूबी के हिसाब से यहाँ पर अपना साइज बढ़ाएगा। उसके बाद बच्चा लोग ये तो सिर्फ एक ट्रेडमिल है, अगर तुम्हें दुनिया का और भी ज्यादा स्पेशल ट्रेडमिल चाहिए तो तुम्हें और आगे जानी होगी, यहाँ पर तुम्हें जंप लगा के सीधा रपट के इन बॉम्ब से बचनी होगी, इनसे टकराए तो समझो मारे गए। भाई साहब क्यों खतरनाक लगी पड़ी है, लेकिन बच्चा लोग जो भी इस सभी खतरनाक रास्ते को पार करके फिनिश लाइन पे पहुंचेगा उसको मिलेगा दुनिया का सबसे स्पेशल लास्ट ट्रेडमिल। चीटिंग करोगे तो मारे जाओगे, इसलिए ईमानदारी से गेम खेलो और यहाँ पर दुनिया को यहाँ पर दिखा दोगे तुम टाइटन या फिर गॉड स्पीकर मैन या टीवी मैन बन सकते हो। अरे वाह मजा आ जाएगा। अरे मजा तो मुझे आएगा, सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ही जाएगा, ये खतरनाक रास्ता मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं पतली रस्सी तो क्या, मैं तो यहाँ पर इंसान के बाल पे भी चल लो। ओ भाई साहब गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी पतली रस्सी पे चल भी कैसे पा रहा है, मुझे तो देख के चक्कर आ रहे हैं उसको। अरे बाप रे बहुत कठिन हो रहा है चलना, लेकिन मैं चल के दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर विजेता बन जाऊंगा, अंतर्यामी तोड़ी हूँ मैं तो बहुत जल्दी गॉड कैमरामैन बन जाऊंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ले 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 तुझे बताता हूँ, बन जा गॉड कैमरामैन जो भी बनना है, मैं तुझे एक इंच भी ट्रेडमिल नहीं चढ़ने दूंगा। ये ले भाई मैंने तेरा पूरा का पूरा रास्ता ही तोड़ दिया। व्हाट अबे टोनी तू पागल है क्या, तुझे भी तो कठिन पड़ेगा। मैं टोनी स्टार्क हूँ, आयरन मैन हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा गिरा क्यों नहीं, खैर मैं उसको आगे जाके गिरा दूंगा। गाइस टोनी भी यहाँ पर देखिए भाई रस्सी पे चल रहा है इतनी खतरनाक पे। ओ भाई डॉक्टर स्ट्रेंज चला यहाँ से, नहीं हटूंगा, हल्क जाएगा। भाई साहब हल्के तो इतने बड़े बड़े पैर हैं, ये इतनी पतली रस्सी पे कैसे टिकेगा। हल्क गिर गया। ओए ये फ्रैंकलिन का बच्चा मनुष्य है, इसने हमें बद्दुआ लगा दी और हमें नीचे गिरा दिया। मैंने क्या कहा, मैंने तो बस सच्चाई कही थी। हल्क तो गाइस रस्सी छोड़ो उस पतले से बोर्ड पे भी नहीं चल पाया। उठी की कसम हम भी आ रहे हैं चौप। वाह भाई सबसे पहले मैं आऊंगा, मैं तो कुत्ता हूँ भाई चार पैर वाला, वो एक पैर से भी चल सकता हूँ मैं। गाइस ये चौप कैसी बातें कर रहा है। वाह भाई सबसे पहले स्टोनी के बच्चे और डॉक्टर स्ट्रेंज की ले ले बैठ जाता हूँ। मेरे को क्यों मार रहे है? अबे ओए चौप हट जाए यहाँ से, वरना सही बता रहा हूँ बर्गर नहीं खिलाऊंगा। अच्छी बात है जा डॉक्टर स्ट्रेंज को गिरा दे, खुद भी गिर जाओ। वाह भाई ले डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे मार दिया। लो गाइस इस चौप ने क्या ही कर दिया, टोनी स्टार्क को और डॉक्टर स्ट्रेंज को गिराने गया, खुद को और डॉक्टर स्ट्रेंज को गिरा लिया। भाई साहब इसने तो खुद ही का यहाँ पर घाटा कर लिया। और मजा ही आएगी, मैं तो सबसे पहले इस हल्क को और स्पाइडी को गिराऊंगा। ये हल्क तुझे फोड़ेगा, रेड हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। हल्क अरे तुझसे डरता नहीं हूं मैं। गाइस ये रेड हल्क पहले खुद जीतने से पहले दूसरों को हराने की सोचता है। ये क्या भाई
ये तो जंप लगा के सीधा आ गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पर पत्थर की दीवार लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आ पाएगा और रेड हल्क ही विजेता कहलाएगा। अबे ओए क्या कर रहा है रेड हल्क? ये क्या कर दिया तूने रेड हल्क के बच्चे, मजा आ गई। हे मैं तो सबसे ज्यादा सुपर बच्चा हूँ, मैं तो सिंचेन का बड़ा भाई हूँ। अगर सिंचेन गॉड प्रोजेक्टर मैन है तो मैं गॉड फोन मैन बनूंगा। चलिए निकली यहाँ से। हाँ ये क्या कर रहा है? ओए ओए मार दिया, बचाओ स्पाइडी को भी बचाओ। हे मैं भी यहाँ पे जंप लगाऊंगा और हल्क भैया की तरह आगे बढ़ जाऊंगा। पिंचन आगे मत आइयो वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। लो गाइस यहाँ पर लिटरली में भाई पिंचन ने क्या बेवकूफी कर दी। ये चाहता तो भाग भी सकता था बट रेडल से पंगे लेने की क्या जरूरत थी। इसने यहाँ पर उस रेडल से पंगा लिया और यहाँ पर देखिए क्या बैंड बज रही है, मजा आ गई। अब पिंचन नहीं बचेगा, इसकी बैंड बजा लूंगा। मुझे छोड़ दे। अरे बापरी ये क्या हो रहा है भाई साहब? रेडल तो यहाँ पर लिटरली में भाई इस किबड़ी की फैमिली में चला गया। उठी कसम बहुत हो गया, बिजली के हथौड़े से नहीं छोड़ेंगे, हम सबको फोड़ेंगे। अरे मुझे भी लेके चल ले थोड़ा आगे। नहीं हमारे पास किसी को ले जाने और लाने का टाइम नहीं है, हम बहुत ही शूरवीर हैं, हम सबसे आगे जाएंगे और इसकी बड़ी की फैमिली की बैंड बजाएंगे। भाई साहब थोर तो अपनी बिजली का कमाल दिखाकर सारे इसकी बड़ी इसकी बैंड बजा रहा है भाई लिटरली में। क्या ऑसम कूलिंग तरीके से मार रहा है। बट मैं तो एक डायमंड स्पीकर मैन हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ू भाई साहब? ये तो बॉम्ब है। नहीं नहीं जंप लगा के जाऊँ क्या? गाइस जंप लगाना यहाँ पे स्मार्ट होगा। 1 2 अबे बताता हूँ ले फ्रैंकलिन। अब आगे कैसे आएगा? मैंने यहाँ पर ये बच्चों के झूलने वाला झूला भी तोड़ दिया और पत्थर भी तो वहीं रख के पड़े, अब तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। टोनी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं हराना है। मेरा ध्यान भाई टोनी पे था। हल्क उछल गया, हल्क अब ऊपर जाएगा, हल्क सबसे ज्यादा बढ़िया शूरवीर और विजेता कहलाएगा। हल्क अब सीधा यहाँ से जंप लगाएगा और यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। लो गाइस इस हल्क को तो लिटरली में भाई किसी रास्ते की जरूरत ही नहीं है, एक ही उसमें क्या जंप लगा दिए। अब इस हल्क को मारो, इसकी बड़ी मारो इस हल्क को। गाइस मैं एक डायमंड स्पीकर मैन हूं, मैं सुपर डायमंड टेलीकिनेसिस अटैक से यहां पर डायमंड का रास्ता बनाऊंगा। लेट्स गो। लोग यहां पर नॉर्मल रास्ते पे चलते हैं, कच्चे रास्ते पे चलते हैं, मिट्टी के रास्ते पे, बट मैं चल रहा हूं भाई डायमंड्स के रास्ते पे। जल्दी से गाइस आप लोग डायमंड स्पीकर मैन ओपी लिख दीजिए। अरे आपका फ्रैंकलिन यहां पर देखना बेस्ट करके दिखाएगा। अभी मेरा साइज 5000 तो क्या 50,000 करोड़ भी हो जाएगा। ऑलराइट मैं आगे आ चुका हूं, यहां पर देखिए सबसे पहले इसकी बड़ी इसकी बैंड में आता हूं। और अब आप इसके बड़ी मोजा मत मारो, इस डायमंड स्पीकर मैन को मारो, इसको बेचोगे तो करोड़पति बन जाओगे। ये लो हल्क को यहाँ पर ट्रेडमिल चाहिए, यहाँ पर ट्रेडमिल तो मैं ही लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अरे दोस्तों बस ये जाल तोड़ना है, जाल को तोड़ने के लिए सबसे पहले ये रहे हट ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे। अरे मार दिया ओए फ्रैंकलिन के बच्चे, ये छोड़ूंगा नहीं। लेट्स गो भाई, जाल पे तोड़ के हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। नहीं ये ट्रेडमिल हल्का होना चाहिए, भागो 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 और स्पीड में भागो 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 भागते रहो भागते रहो। भाई साहब मेरा साइज सीधा 5000 से 60,000 हो चुका है और मैं जायंट डायमंड स्पीकर मैन बन गया हूँ। भाई साहब क्या बात है, ये मैंने जंप लगाई और मैं बढ़ गया हूँ आगे। लेट्स गो। हल्क को गुस्सा आ गया, हल्क को ट्रेडमिल चाहिए था, हल्क को मार मिली धोखा मिला। अब हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा, हल्क सीधा जाके ट्रेडमिल को फोड़ेगा, हल्क को चाहिए खतरनाक ट्रेडमिल। और ये हल्क क्या कर रहा है भाई? ओ हल्क भाई मुझे प्लीज लास्ट ट्रेडमिल लेने दे। नहीं तुझे ऑलरेडी एक ट्रेडमिल मिल गया है, हल्क अब किसी को भी कोई ट्रेडमिल नहीं लेने देगा। अरे बाप रे, एक जंप में आ रही हल्क का बच्चा आगे बढ़ गया। हल्क सब कुछ तोड़ देगा, पूरा रैंप फोड़ देगा जिससे कोई आगे ना बढ़ पाए। ओ भाई साहब इस हल्क ने तो यार रास्ता ही तोड़ दिया। अब यार फिर से आगे जाने के लिए मुझे डायमंड का रास्ता बनाना पड़ेगा, पर इतने में तो यार हल्क ट्रेडमिल ले लिया है। हल्क का साइज भी यहां पे 60,000 करोड़ हो जाएगा। हल्क यहां पर बनेगा बर्गरमैन। बर्गरमैन क्या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? भागेगा हल्क, भागेगा हल्क, बर्गरमैन बनेगा। कुछ भी हो जाए हल्क को बर्गरमैन बनना है, हल्क को बर्गर पसंद है ऐसे। अरे ये क्या, हल्क बर्गरमैन तो नहीं पर गोल्डमैन बन गया। ओ भैया हल्क भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है गाइस, ये भी 60,000 साइज का गोल्ड मैन बन गया है भाई यार। बट इसने लास्ट ट्रेडमिल ले लिया, बट यहाँ पर एक ट्रेडमिल मैंने ले लिया, एक हल्क ने ले लिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। और अब अच्छी तुम लोग चिंता मत करो, अभी तो ये रेस शुरू हुआ है, अब समय आ गया तुम्हारे दूसरे टास्क का। कौन कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ। उड़ी कसम मैं भी तैयार हूँ, उस सिंचन के बच्चे ने मारा था। हल्क भी तैयार है। ऑलराइट गाइस अभी ये डॉक्टर मिक्सेट हमें कहीं और लेकर आ गया है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रेस या नेक्स्ट मिशन क्या होने। अरे जल्दी बताइए डॉक्टर मिक्सर क्या करना है। हाँ तो मेरी बात सुनो बच्चा लोग, इस समय तुम लोग आसमान में काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हो, बादल से ऊपर। यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट जो कि कुछ स्पेशल साइंटिस्ट हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। व्हाट, पूरे का पूरे प्लान को इन लोगों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। ये है गोल्डन इसके बड़ी और साथ साथ में रेड इसके बड़ी, ये दोनों भाइयों ने ये मिशन लगाया कि दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट हैं ये उनसे रात और दिन मेहनत करवा के काम करवा के यहाँ पर स्पेशल ट्रेडमिल बनवाएंगे। एक ट्रेडमिल तो इन्होंने बनवा भी लिया है, माना गया ये ट्रेडमिल लोगों को
वेरी जान से टाइटन तक पहुंचा सकता है। अरे वाह, तो हमें करना क्या है, तुम लोगों को इसकी बड़ीज को पीटना है, साइंटिस्ट बचाना है और ट्रेडमिल को ले लेना है। और भाई साहब ये क्या यार, ये इसकी बड़ी तो इन बेचारे साइंटिस्ट को मार रहे हैं, बिल्कुल जो भी साइंटिस्ट मना कर रहे हैं काम करने के लिए, ये इसकी बड़ी के बच्चे बेरहमों की तरह यहाँ पर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, इसलिए जल्दी जाओ उन्हें बचाओ। उठी की कसम, पहले हम रास्ता तोड़ेंगे उसके बाद इन इसकी बड़ीज को फोड़ेंगे। नहीं 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 भाई, थोड़ा ऐसा मत कर, रास्ता तोड़ेगा ना इसकी बड़ीज को पता चल जाएगा कि किसी पे किसी ने हमला किया इन पर, हो सकता है वो सारे साइंटिस्ट को मार दे। अरे तू हमें सिखाएगा, तू 2 दिन का बच्चा है फ्रैंकलिन, हमारी उम्र ही 1500 साल है, अरे तू पैदा भी नहीं हुआ था, तब से हम यहाँ पे राज कर रहे हैं, गॉड बने पड़े हैं। भाई साहब क्या बात है, थोर ने तो आग लगा दी। मैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर जाऊंगा, मेरे पास एक ऐसी जंपिंग गन है, जंपिंग गन हल्क, भैया ये देखो आपसे लंबी जंप मैंने लगा ली। अरे पापरे, हल्क से ऊंची जंप कोई नहीं लगा सकता, मैंने लगाई है। भाई साहब यार, ये सिंचन तो सच में बोल रहा था गाइस, क्या लंबी जंप लगाई है भाई इसने, और सीधा भाई प्लेन के पास पहुंच गया। ओ इसकी बड़ी, लगता है यहाँ पर हम पे अटैक हो रहा है, और इसकी बड़ी साइंटिस्ट लोगों को मार दो। साइंटिस्ट लोगों को मत मार, नहीं क्योंकि मैं अपना साइज बढ़ाता हूँ, उसके बाद आपकी बेड में आता हूँ। इसकी बड़ी, ये बच्चे को तो हम ही पीटेंगे, इसकी बड़ी ये बच्चे, इसकी बड़ी, इसकी बड़ी। भाई साहब यार, ये सिंचन ने भी बेवकूफी कर दी, हल्क यहाँ पर बेवकूफी नहीं समझदारी दिखाएगा, सीधा इस खतरनाक बोर्ड को दुनिया से बाहर पहुंचाएगा, हल्क गोल्डन लेजर अटैक। भाई साहब हल्क के पास ये कौन सा अटैक है, गोल्डन लेजर अटैक, मतलब मैं भी क्या डायमंड स्पीकर साउंड अटैक कर सकता हूँ। गाइस हम ट्राई करेंगे आगे, हल्क बस कुछ ही टाइम में इस खतरनाक शील्ड दरवाजे को तोड़ देगा। भाई साहब हल्क ने कर दिखाया गाइस, और इसकी बड़ी, इसकी बड़ी सामने कोई गोल्ड मैन आया है, इसका सारा सोना छीन लो और इसको मार दो। हल्क को कोई नहीं मार सकता, हल्क तो दूसरों को मारेगा, सबसे पहले इस गोल्डन इसकी बड़ी की बैंड बजाएगा। और इसकी बड़ी मैं भी गोल्ड तू भी गोल्ड, साथ में मिलके बोल, यहाँ पर बैंड बजाते सबकी। अबे 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 छोड़ मुझे, क्या कर रहा है रेडल के बच्चे, मां तू जो नीचे फेंकूंगा टोनी, तू सबसे बड़ी मुसीबत है, तू हार गया तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, रुको अभी बताता हूँ, छोड़ छोड़ मुझे, क्या कर रहा है। और इसकी बड़ी मुझे तुम्हारे साथ एक बार्गेन करनी, बदले में स्टोनी को ले लो, दुनिया का सबसे जीनियस आदमी है ये, और मुझे वो स्पेशल ट्रेडमिल दे दो, मुझे साइंटिस्ट को नहीं बचाना है, मुझे बस अपना साइज बढ़ाना है। अब क्या कर रहा है भाई, तेरे हाथ पैर तोड़ रहा हूं जिससे कि तू भाग ना पाए। ओ भाई साहब यार, ये रेडल कितना बुरा है भाई, ये बोल रहा है कि इसको साइंटिस्ट को बचाने से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस अपना साइज बढ़ाना चाहता है। अरे इसकी बड़ी, कौन है, इसकी बड़ी फेंक दिया, और मैंने बोला ना ये ट्रेडमिल मेरा है, हटा साइंटिस्ट लोग। अरे कोई बचाओ, अरे भैया कोई बचाए हमको, अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है। भाई साहब इस रेडल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी जाता हूँ और जाकर अपने डायमंड सुपर साउंड से इसकी बैंड बजाता हूँ। हल्क भाई जल्दी उठ, हम यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तू जीते मैं जीतूं, बट इस रेडल को नहीं जीतने देंगे। ऑलराइट गाइस, मैंने ये लगाई जंप और मैं प्लेन के ऊपर जा रहा हूँ, 1 2 3 हो गया लैंड। ऑलराइट अबे रेडल के बच्चे हट यहाँ से, फ्रैंकलिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उठी की कसम, हम बैंड बजाएंगे इसके ब्रीज की, हम देखता है, ए रेड हल्क हट जा यहाँ से, ले आराम मारा, आराम मारा, आराम बैंड बजा दी मेरी। ए फ्रैंकलिन देख हमने रेडल को क्या पीटा है, अब चुपचाप रास्ते से दूर हट जा, क्योंकि वो ट्रेडमिल हमारा है, हमें यहाँ पर जीत में वो ट्रेडमिल चाहिए। हल्क यहाँ पर किसी को भी वो ट्रेडमिल नहीं लेने देगा। ओह गाइस फाइनली हल्क भी उठ गया यहाँ पर, क्या अपनी गोल्डन लेजर से। भाई साहब क्या बैंड बजाइए भाई थोर की इसने, हल्क स्पीकर मैन की भी बैंड बजाएगा। अब हल्क यार, मैं तो तेरा सपोर्ट कर रहा था भाई, और तू मेरी बैंड बजाने चलाए। हल्क इस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्किबिडीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, साइंटिस्ट को बचा के अपना साइज बढ़ा लेगा। अरे हम मर जाएंगे यार, ये हल्क पागल है क्या, प्लेन डिस्ट्रॉय करेगा तो सब गिर जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी गन है कि किसी को भी उसको उसकी ताकत से दूर कर सकती है, एक बार मैं इस हल्क का गोल्ड मैन का सूट छीन लूं, उसके बाद इस फ्रैंकलिन के बच्चे को बताऊंगा। और ये ले हल्क। अरे नहीं, ये हल्क पर कौन अटैक कर रहा है, हल्क का सूट हल्क से दूर हो गया। मैंने कहा था ना मैं किसी को भी उसकी ताकत से उसको दूर कर सकता हूँ, अब एक काम करता हूँ, इस गोल्ड मैन के सूट को और बड़ा कर देता हूँ। भाई साहब ये रेडल कौन सी टेक्निक लगा रहा है, और अब इस सूट को पहनकर रेड गोल्ड मैन बन जाता हूँ। रेड गोल्ड मैन, भाई साहब लाल सोना, ओ माय गॉड, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं। अब फ्रैंकलिन चुपचाप दूर हट जा, क्योंकि इस सूट को मैं पहनने जा रहा हूँ, 1 2 3 सूट मैंने पहन लिया है। गाइस नहीं, हमें इस रेड गोल्ड मैन को मतलब कि रेडल को रोकना ही पड़ेगा, और भी काम करता हूँ मैं, जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। ऑलराइट मैं वापस आ चुका हूँ, जल्दी जाता हूँ और ट्रेन में अपना साहब फ्रैंकलिन उस ट्रेडमिल से दूर रहा, वरना तुझे उस ट्रेडमिल के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नहीं तू मुझे नहीं रोकने वाला, भागो भागो भागो। भाई साहब क्या स्पीड में भाग रहा हूँ भाई मैं, मेरा साइज अब यहाँ पे 90,000 करोड़ होने वाला है, भागो भागो भागो।
भाई साहब, मैं तो अपग्रेडेड डायमंड स्पीकर मैन बन गया। बता भाई रेडल क्या कर लेगा तू मेरा? अरे बच्चों लड़ो मत, अब जल्दी से इधर आ जाओ। कोई नहीं फ्रैंकलिन, आगे मैं जीतूंगा। हल्क की पावर हल्क से छीनी गई है, हल्क को बदला चाहिए। अरे मैं भी आ गया कॉम्पिटिशन में। तो तुम्हारा लास्ट मिशन अब चलेगा फ्रैंकलिन के घर के पास। फ्रैंकलिन के मतलब मेरे घर पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंचन का बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। जब से वो गॉड प्रोजेक्टर मैन बना है, जितने भी हारने वाले लोग हैं, मतलब जैसे कि अवेंजर्स हैं, पिंचन चौप है, उन सभी को सिंचन ने किडनैप कर लिया है और अपना गुलाम बना लिया है। अबे यार सिंचन छोड़ दे। सिंचन छोड़ दे, मैं तो तेरा भाई हूँ। वाह भाई वाह, मुझे टोनी चढ़वा दे तू पहले भाई। मैं तो कुत्ता हूँ भाई, मुझे बर्गर की बहुत भूख लगती है। चुप कर यार चुप, पहले मैं तो बच जाऊ। तो देखा बच्चा लोग, तुमने ये सब सिंचन की करामात है। सिंचन का मिशन यही है कि इस दुनिया में जितने भी लूजर है वो सिंचन के गुलाम हो, उसकी गुलामी करे। ओ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सिंचन को मैंने कभी ये सीख नहीं सिखाई, वो पता नहीं कहाँ से सीख रहा है ऐसी बातें। इतना नहीं बच्चा लोग, उसने जीमन स्किबिडी जैसे खतरनाक स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर की फैमिली और आर्मी से भी हाथ मिला लिया है। और अभी इनके पास एक ऐसा ट्रेडमिल है कि अगर सिंचन इस पे भागा तो 10 गुना ज्यादा और बड़ा हो सकता है। इसलिए ट्रेडमिल तुम्हें सिक्योर करनी होगी, अपना साइज बढ़ानी होगी और स्किबिडी की आर्मी की बैंड में आकर सिंचन को सुधारनी होगी। भाई साहब गाइस, अब जबकि बात मेरी फैमिली की आई है तो मैं सिंचन को सुधार के रहूंगा, इसमें मेरा फर्ज है। ए सारे के सारे स्किबिडीज मेरे घर से दूर हटो। स्किबिडी ये तेरा घर नहीं है, ये हमारे सिंचन का घर है। अरे फ्रैंकी भैया हट जाइए यहां से। नहीं सुपर गोल्डन, नहीं गोल्डन नहीं मतलब डायमंड, सुपर डायमंड टेलीकिनेसिस अटैक। गाइस अभी देखिए, मैंने इतने बड़े-बड़े डायमंड्स को इन सभी स्किबिडीज के मुंह के आसपास या फिर हेड के आसपास या फिर इनकी बॉडी के आसपास स्पॉन कर दिया है। अभी देखना मैं 1 2 3 करूंगा और ये ब्लास्ट होंगे। देखिए 1 2 और 3 बूम, वूहू, मेरे जितने भी सुपर डायमंड्स थे वो सब के सब बॉम्ब से कम नहीं थे भाई, ऐसे ब्लास्ट हुए। अरे बाप रे, ये क्या, ये हल्क क्या कर रहा है? हल्क फोड़ेगा, हल्क इस बैग फेंकी को नहीं छोड़ेगा। अरे अरे मुझे अरे मुझे क्यों मार रहा है? क्योंकि तूने हल्क को ट्रेडमिल नहीं लेने दिया था, इसलिए फ्रैंकलिन ने ले लिया। हल्क की पावर हल्क से छीनी गई है, इसलिए हल्क उस रेडल को भी नहीं छोड़ेगा। और मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, तेरा क्या कर रहा है मेरे साथ तू? ले हल्क तुझे फोड़ेगा, तेरा गोल्ड मैन का सूट भी डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। भाई साहब हल्क तो पागल हो गया लिटरली में। ओ भाई हल्क, एक काम कर, अपनी इस पागलनेस की शक्ति का इस्तेमाल मेरे साथ इस्तेमाल कर और हम साथ में मिलके इन स्किबिडीज को हराएंगे और सिंचन को सबक सिखाएंगे। नहीं हल्क अकेला काम करेगा और हल्क ट्रेडमिल पे भागेगा। अरे नहीं यार हल्क, ऐसा मत कर भाई, वो ट्रेडमिल मेरा है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना मुझ पे हमला करने की। अब देखिए सिंचन हमारा यानी कि गॉड प्रोजेक्टर मैन से अंगा लेने की क्या सजा होती है। हल्क भैया सबसे पहली सजा आपको मिलेगी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे ट्रेडमिल को इस्तेमाल करके अपना साइज बढ़ाने की। हल्क अपना साइज बढ़ाएगा, हल्क को यहाँ पर कोई नहीं रोक पाएगा। भाई साहब सिंचन प्लीज यार हल्क को कुछ मत करियो। पहले तो आप जाइए से। ओ भाई साहब यार मुझे तो नहीं जोर से ब्लास्ट किया है कि मैं यहाँ पे हल्क को बचा भी नहीं सकता। भाई साहब सुपर प्रोजेक्टर मीटियर्स अटैक। ये किस तरह की अटैक? अरे भैया यार क्या कर रहा है सिंचन? गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में डायमंड स्पीकर मैन ओपी लेके आए। ओ नो ये लो, सारे गुलामों को भी पीटूंगा। आई प्लीज हमको मत मार। अरे बाप रे ये क्या कर रहा है सिंचन? तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे हल्क को मार दिया। नहीं प्लीज सिंचन ऐसा मत कर यार, हल्क बेचारा भोला भाला है, तू उसको क्यों मार रहा है? क्योंकि हल्क भैया लालची है। बहुत हो गया गाइस, अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। मैं सिंचन को डायरेक्टली नहीं हरा सकता, इसलिए मैं अपनी सुपर फास्ट एकदम साउंड से भी ज्यादा तेज स्पीड में भागूंगा और यहाँ पर ट्रेडमिल पर भागूंगा, जिससे कि मेरा साइज बहुत ही जल्दी 8,000 करोड़ हो जाए। तब तक आप कमेंट में जल्दी से एटी गेमर ओपी या फिर फ्रैंकलिन ओपी लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, भागो 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 भागो। नहीं फ्रैंकी भैया रुक जाइए। गाइस देखिए हमारा साइज मीटर अप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नहीं फ्रैंकी भैया सुपर मीटियर है। नहीं आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? लेट्स गो गाइस, क्या ऑसम लग रहा हूँ मैं। फ्रैंकी भैया मैं अभी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट करके आपके स्पीकर्स को ब्लास्ट करता हूँ। गाइस सिंचन इससे पहले कि ऐसी कोई हरकत करे और दुनिया को हानि पहुंचाए, मैं यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े 2 सुपर टाइटन स्पीकर स्पॉन करके उनमें सुपर साउंड ब्लास्ट करता हूँ। सुपर साउंड ब्लास्ट, ये क्या हो रहा है अभी? गाइस 1 2 3 अरे बैंड बजी मेरी। वॉइस ऑफ क्या ब्लास्ट हुआ यार, सिंचन का पूरा प्रोजेक्टर खराब हो गया होगा और अब सिंचन की जो अक्ल है वो भी ठिकाने आ गई होगी। गाइस देखते हैं यार अवेंजर्स ठीक तो है ना। गाइस बाकी अगर आपको मेरा ये डायमंड स्पीकर मैन का सूट अच्छा लगा तो बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।